और ये हम लोग अभी झरने पे हैं, ये देख सकते हैं आप, मस्त झरना है इधर, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मस्त माहौल है। ये ऊपर से आ रहा है और ये पहाड़ी इधर, आज तक यहाँ पे जो एल्टीट्यूड था वो 2630 मीटर था। और फिर अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, 6 अक्टूबर है आज और दिन के 4 बजे हैं, अभी नीचे उतरने में लगभग 1.5 घंटा लग जाएगा। और सुबह हमने 11 बजे चढ़ाई स्टार्ट की थी नीचे से ना, अभी जा रहे हैं, ये छैनी पास है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं उधर वो, और पूरा दिन लग जाता है ऑलमोस्ट वहाँ पहुँचने में, छैनी पास पहुँचने के लिए 10 घंटे चाहिए। तो आज हम लोग लेट हो गए थे सुबह, अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, तो नीचे की तरफ जा रहे हैं, नीचे गांव है हेल, और बस दैट्स ऑल अबाउट इट। ये फॉरेस्ट है, ऊपर भी फॉरेस्ट है, हमें ऊपर लंगूरों का झुंड भी दिखाई दिया, और इधर काफ़ी रेप्टाइल्स होते हैं, चैमेलियन, गिरगिट वगैरह, और थोड़े बहुत स्नैक भी होते हैं जो नॉन पॉइजनस होते हैं इधर, बाकी चीज़ है। ये देख सकते हैं आप, बहुत प्यारा नज़ारा है इधर, इधर नदी चल रही है नीचे की तरफ, नाला जो ऊपर से छनी पास से आता है। ये देखो हम लोग वापस आ रहे हैं और ये ब्रिज बना हुआ है इधर लोहे का, ये वही जगह है जहाँ से हम लोग निकल के गए, और ये बहुत मस्त सीन है इधर, बहुत मस्त हो जा रहा है। अभी वापस आ रहे हैं हम लोग देवी कोठी की तरफ, ये देखो अखरोट का फ्रूट है, पेड़ है या अखरोट लगे हुए इधर, इस पे अखरोट ही तो है वो लगे हुए, देखो अखरोट का पेड़ है, और नीचे देखो वो जो वहां से उधर से वो चल रहा है जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाया ना, वो बह के इधर की तरफ आता है वहां पे, अब देख सकते हैं हम लोग वहां पे गए थे वो जो बीच में बना हुआ है ना, वहां तक ट्रैकिंग करके आया आज, अब वापस तरफ जा रहे हैं। इधर का पानी बहुत मीठा होता है पीने के लिए, और इतना अच्छा होता है ना, जैसे मिनरल वाटर होता है ना जो बिस्लेरी वगैरह, उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगता है, और बहुत अच्छा होता है इधर का पानी पीने के लिए। ये ऊपर से पानी आ रहा है, इन्होंने बनाया हुआ है पीने वगैरह के लिए, तो बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी पानी होता है। ओके, और इतनी घास की गाड़ी आ रही है ऊपर से पहाड़ी पर, कितनी ज़्यादा ये, और ऐसे लेके जाती है, ये उधर से लेकर आ रही घास उधर से,